बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या होता है, तो एनसीईआरटी में मेंशन भी नहीं है। तो याद रहे हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स समझने के लिए आपको समझना होगा कि जब हम नॉर्मल ब्रीथ इन कर रहे होते हैं या ब्रेथ आउट कर रहे होते हैं तो हमारे यहां उस समय इंस्पायरेटरी सेंटर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन है वही कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वही रिलैक्स होती हैं और हम नॉर्मल ब्रीदिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, ब्रेथ इन या ब्रेथ आउट। लेकिन जब हम डीप इंस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो जब हम डीप इंस्पिरेशन करते हैं उस दौरान हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है रिसेप्टर्स के सिग्नल के अकॉर्डिंगली हमारे एक्सपायरेटरी सेंटर को एक्टिवेट करता है और हमारे जो एक्सपायरेटरी मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कराता है और इसी रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। तो हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स ऑपरेट होता है ड्यूरिंग डीप इंस्पिरेशन। थैंक यू।